आज मैंने डिसाइड किया कि अपना एक सिनेमा थिएटर का बिजनेस ओपन किया जाए, इसलिए मैं निकल पड़ा अपना एक सिनेमा हॉल का बिजनेस ओपन करने। ये शायद हमारी सिस्टर है मिलिफ, आई थिंक, हाँ मिलिफ। तो इसके ग्रैंडपा का कोई मतलब हमारे ग्रैंडपा का एक सिनेमा थिएटर का बिजनेस था, तो इसने हमारे ऊपर अभी जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि हम ये बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो ये हमें अपने सिनेमा थिएटर में लेके आगे, नहीं सिनेमा और थिएटर एक ही होता है, सिनेमा हॉल। ओके, तो यहाँ पर ये कस्टमर्स के बारे में बता रही है। ट्यूटोरियल बाद में दे सकते थे? नहीं, ट्यूटोरियल ज़रूरी है। तो कस्टमर आ रहा है, हाँ ले भाई तेरा टिकट दूंगा, तेरे को रिजेक्ट करूँगा, इतनी छोटी उम्र में पिक्चर देखने आई है। वैसे अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो अंत तक ज़रूर देखना, आपको इसके अंदर एक बड़ी खतरनाक सी चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हमारे थिएटर का प्रोजेक्टर ख़राब हो गया, उसको फिक्स करने चलते हैं। अपना प्रोजेक्टर अब ठीक हो गया, चलो अपना प्रोजेक्टर ठीक हो गया, अब हम आगे क्या कर सकते हैं। नाइस जॉब, अच्छा काम किया। अब हमें शायद यहाँ पर फिल्म देखनी है। ओके, तो चलो हम भी इनके साथ फिल्म देख ही लेते हैं अभी। अरे सीट किधर है, मैं अटक गया भाई। हाँ ये है रही जगह। चलो ये इनकी फिल्म तो खत्म हो गई। ओके, अच्छा आज वो गरीब कस्टमर्स होते हैं जो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करके जाती है, पूरा थिएटर गंदा कर डाला सालों ने। कमेंट करके बताओ आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जो सिनेमा थिएटर में जाते हैं और ऐसा कुछ कचरा वचरा फेंक के जाते हैं। वैसे मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसा ना हो कमेंट में मेरे कमेंट में ना कचरा हो जाए। खैर मजाक में, अब सफाई हमने यहाँ की कर दी है, अब आगे क्या, ये ऑफिस में लेके जा रही है। ऑफिस में क्या हमें कुछ स्टाफ वाफ कुछ ये मिलेगा, स्टाफ वगैरह कुछ साफ सफाई करने के लिए? हाँ पीसी से मैं कर सकता हूँ, मेरे को मालूम है। आगे क्या, अच्छा मेरे को पॉपकॉर्न मशीन मंगानी है, ठीक है ठीक है। ओके, तो अभी हम पीसी खोल के, ये रही हमारी पॉपकॉर्न मशीन, लो अनलॉक हो गई पॉपकॉर्न मशीन। हाँ तो हम यहाँ से दूसरी मशीन्स को खरीद सकते हैं और उनको अपग्रेड भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा फिल्म के बारे में कुछ क्या, मैं यहाँ से अपने, अच्छा अच्छा न्यूज़ में, हाँ न्यूज़ में ये कुछ पॉपुलर फिल्म्स आई है। ओके चलो, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ अभी इधर। चलो नई सुबह, ये यहाँ पर क्या करने आया? अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके हाँ ठीक है। अब हम, अच्छा इसने अपने, हाँ जो मैंने कहा था ग्रैंडपा का बिजनेस जो हमारे कंधों पे डाल दिया इसने, तू क्या करेगी, फोकट में आके पैसा खाएगी वो। लो आ गए अपने थिएटर में। मैडम मेरे को कहाँ लेके घसीटते हो जा रहे हो, अच्छा टिकट लेने आए हो। अब मैं ये सब कुछ कर ही रहा था तभी, इस थिएटर का मालिक कौन है, बाहर आ, मेरी परमिशन के बगैर तूने ये खोला कैसे, मेरे को पैसा दे, पैसा देगा तभी तेरे को धंधा करने दूंगा मैं। भाड़ में जा, मैंने दे रहा तेरे को कोई पैसा वैसा, तो मैं तेरी ये सिनेमा थिएटर तोड़ डालूंगा। वो अलग बात है कि मैं इसको 1000 डंडे मारता हूँ, इसकी HP कमी नहीं होती। साले खा डंडा खा, तेरे को दुकान फोड़ने दूंगा नहीं मैं, निकल निकल। साले ने मेरे डंडा मार के पॉपकॉर्न मशीन तोड़ दी, निकाल। चलो अभी इस मशीन को ठीक ही कर देता हूँ मैं, अभी पानी से ठीक करो इसको। इसके बाद मेरा किन किन से पाला पड़ा है वो भी देख लो। ये महाशय इधर सो रहे, तू फिल्म देखने आया या सोने आया है पहले मेरे को ये बात बता। रुक तेरी ऐसी की तैसी, डंडा से कुछ नहीं हुआ, मुक्के से भी कुछ नहीं हुआ, आखिरी बार मेरे के पास ये बर्तन बचता है, इसके ऊपर पानी डाल दिया। अब जाग गया, अब सोना मत वरना और ठंडा पानी डाल दूंगा। मेरे को ये किसी से फ़ोन जब्त किया है मैंने, आई थिंक
एक सेकंड, ये तू क्या इधर वीडियो, अच्छा ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने आए हैं साला, पायरेसी करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? इनको बोल ये फाइन मारने का। मैडम तेरी कौन है भई, कौन है तेरी, ऐसी की तैसी, इधर ला कैमरा। बुढ़िया बात करना बंद कर, इसकी ऐसी की तैसी, तू इधर फिल्म देखने आई, अम्मा जाके घर जाके सो, ये फिल्म थिएटर है, इधर खराटे मत मारो। हाय भैया कुल्फी जम गई। चलो फिल्म तो स्टार्ट हो गई, इसकी ऐसी की जैसे तो फिर से आ गया, ले डंडा खाएगा तू, अब डंडा खाएगा, तेरे से बात नहीं, सीधा मुक्का आलात करूँगा, निकल निकल। साला हेडशॉट खाने के बावजूद भी गिरता नहीं है ये, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन क्या कर रहा है इधर, कुछ तो फिर से रिकॉर्डिंग चल रही है इधर, और कोई कुछ कर रहा है नहीं, कुछ नहीं कर रहा है कोई, यहाँ पे क्या चल रहा है, इश्क बाजी तेरी ऐसी की तैसी, ये खा, तू बात करना बंद कर, तू फिल्म उतारना बंद कर। इसी बीच मेरे को ये सेंटा मिल जाते हैं, क्योंकि इस गेम में बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, तो सेंटा मेरे को क्वेस्ट देते हैं कि मुझे भैया इस शहर में मैं नया हूँ, मेरे को इस शहर में बच्चों के पता नहीं मालूम है, मैं हूँ लापता, मेरे को ला के दे उन बच्चों का पता। तो हम यहाँ पर पोस्टमैन बन के सबके पता ढूँढ रहे हैं, पता तो मैं जैसे तैसे ला के ढूँढ ही लेता हूँ, लेकिन सेंटा कहीं पर गायब हो जाता है, मेरे को मिलता ही नहीं है, क्वेस्ट में दिखा रहे हैं लेकिन सेंटा आया ही नहीं। अब जी जो कुछ दिखाने वाला हूँ उसको देख के भाई कसम से मैं खुद डर गया था भाई, मेरे को हार्ट अटैक आते आते बच गया। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा रात हो गई थी, तो मैं अपना इधर ये अपना इन थिएटर्स की मतलब अपने स्टूडियोज़ की थोड़ी सफाई कर रहा था मैं, और सफाई करने के बाद मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही ज़रा ये कंप्यूटर का कैमरा वैमरा चेक कर लेते हैं कोई है कि नहीं, और जैसे ही मैंने सीसीटीवी ओपन किया, अबे ये कौन है कैमरा की तरफ देख के हाय हेलो कर रहा है, ये क्या है भाई, साला ये पूरा गेम का साउंड ही बदल गया, भागो ये इससे पहले मेरे पे हावी ना हो जाए, मेरे को खाना चाहिए भूत। साला सारे एनपीसी और ये अंदर घुसा कब, नहीं ऐसा तो मैंने कोई प्लेयर नहीं दिखा, ऐसे तो मैंने कोई करेक्टर देखा नहीं, मैं तो सीधा डर के मारे घर के अंदर घुस गया और सीधा जाके सो गया। मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड करने से पहले भी एक गेम खेला था, तब भी मेरे को ये दिखा था, लेकिन तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन अब रिकॉर्ड हो गया भाई। ये क्या था, नहीं मतलब बाकी के सारे एनपीसी, अब इसमें अलग क्या है मैं बताता हूँ, बाकी के सारे एनपीसी जाके चुपचाप फिल्म देखते हैं, ये पहला बंदा था, साला मेरे को कैमरा सीसीटीवी कैमरा उधर है कैमरा को देख के ऐसा हाय हेलो कर रहा है, इसको तो मैंने अंदर घुसते हुए देखा ही नहीं, ये घुसा कब और कैमरा के अंदर हाय हेलो, मैं उसको पकड़ने गया था एक बार, ठीक है एक बार पकड़ने, अगर आप भी गेम खेल के अगर देखने जाओ पकड़ने के लिए तो आपको मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर मेरी गुंडों के साथ फाइट हो जाती है, मेरे को लगा इसको मारूंगा तो मेरे को कुछ पैसा वैसा मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलता, उल्टा मेरी एचपी अलग चली जाती है भाई। अब मैं लेवल 4 कंप्लीट कर चुका था, तो यहाँ पर एक कैंडिडेट आई हुई थी, मुझे भी एक नौकर चाकर की ज़रूरत है, तो इसे भी नौकरी की ज़रूरत थी, तो इसने मेरे को बोला कि हाँ नौकरी मेरे को चाहिए, मैंने भी बोला हाँ मेरे को एक नौकर चाहिए, आजा भाई तू कल से। साला वो अलग बात है, ये भिखारी भी मेरे से 2000 रुपये मांगते हैं, 2000 आज के ज़माने में कौन सा भिखारी मांगता है, नहीं उससे बेटर तू मेरे यहाँ पे काम ही कर ले, तेरे को पगार दूंगा मैं, लेकिन ये काम भी नहीं कर सकता। मैंने अपना क्वेस्ट खोल के देखा तो इसके अंदर इसको पैसे देने का तय था, तो मुझे भी इसको पैसा देना ही पड़ा। ये रोटी महाशय क्या कर रहा है, इसका नाम रोटी है, मतलब हमारे ग्रैंडपा का पहले पार्टनर हुआ करता था, इसने इसी शहर में दूसरा उसका मल्टीप्लेक्स है, बहुत बड़ा मल्टीप्लेक्स है, तो ये यहाँ पर क्या, जस्ट बी केयरफुल हैं, पीपल कुड बी हाइडिंग, ये क्या बोल के गया भाई, ये बोल के गया कि अच्छी बात है कि तुम अपनी नौकरी में रिक्रूटमेंट कर रहे हो, लेकिन संभाल के रहो, ये किससे संभाल के रहने की बात कर रहा है, और ये रहा मेरी कैंडिडेट, मेरी कैंडिडेट इधर आ रही है, ज़रा देखे तो क्या बात करेगी ये।
चलो शायद काम के लिए मान जाएगी, जरा देखे तो। सॉरी मैं काम नहीं कर सकती। क्या बात कर रही है, अबे तेरे को मैं पगार दूंगा ना, तेरे को बेफ मैं फोकट में थोड़ी रख रहा हूँ, मुझे कहीं और जगह जॉब मिल गई। सॉरी, अबे क्या सॉरी के बच्चे, साला वो बुढ़ा के आने के बाद ही सब कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो क्रीपी इंसान, जो क्रीपी मैन हमें हाय हेलो कर रहा था, वो हमारा रिश्तेदार था, और उस रिश्तेदार को इस रोटी के बच्चे ने मसल डाला, और अब यह हमें हमारा धंधा करना नहीं देगा। मुझे ऐसा फीलिंग मन से आ रही है सच्ची में, क्योंकि ये धमकी देके गया, सीधा सीधा इनफॉर्मली इनडायरेक्टली धमकी देके गया है कि संभाल के, लोग तुमसे क्या छुपा रहे तुमको मालूम भी नहीं है। ये क्या चल रहा है भाई गेम में, नहीं कैजुअल गेम को क्या बना डाला भाई, ये स्टोरी बेस्ड हॉरर, स्टोरी हॉरर बना डाला साला। कभी क्रीपी मैन दिख रहा है, कभी इधर षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा है। मतलब मैं किसी भी कैंडिडेट को ये नौकरी पे नहीं रख सकता। इसके थोड़ी देर बाद एक और कैंडिडेट मेरे दरवाजे पे आया, और फिर देखो क्या हुआ, कैंडिडेट नंबर 2 आ गया। कैंडिडेट नंबर 2, इसको भी मैंने बोला, इसके साथ भी मैंने बात की, तो ये भी बोला कि मुझे जॉब चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल से आ जाना। ये भी खुश होकर चला गया। लेकिन दूसरे दिन मैं इसके पास गया तो ये मुझे बोलता है, सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस ऑफर को रिजेक्ट कर लूँ। लेकिन क्यों, नहीं मैं रीज़न नहीं बता सकता, बस मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। मुझे ऐसा क्यों लगता है, या तो लोगों को यहाँ के भूत, ये जो भूत दिखाया है मेरे को अभी अभी, उस भूत की कहानी की वजह से डर रहे हैं, या फिर दूसरे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बुढ़े ने इसको खरीद लिया कि हाँ मैं तेरे को डबल पैसा दूंगा, इधर काम पे आ, और ये फिर से मेरे से पैसा मांग रहा है। कहाँ से लेके आऊँ तेरे को पैसा, तेरे लिए पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँ। इधर ये थग्स भी बैठे हुए, पुलिस वाले कुछ करते नहीं है, क्या करूँ भाई। उम्मीद है वैसे आपको आप आज की वीडियो पसंद आई होगी, और डेवलपर से भी उम्मीद है कि भाई आगे और कुछ डेवलपमेंट लेके आओ, इतनी जल्दी रिलीज नहीं करना था। गेम अभी भी इनकम्प्लीट ही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुली नहीं है, कुछ मिशंस इसके हैं जो हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उम्मीद है डेवलपर इसको ज़रा आगे काम कंप्लीट करें। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इसका कोई अगला अपडेट आया तो उसका अपडेट ज़रूर मैं खेलूँगा, अगर आपको वो देखना है। तेरी ऐसी की तैसी कौन है बे, मेरे इधर ये कर रहा है, तेरी ऐसी की तैसी तेरा डंडा मारूं मैं तेरे को, डंडा किधर है मेरा, भाग गया तेरी। हाँ तो हम कहाँ पे थे, तो मिलेंगे आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।